आसानी तूफान को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि आसानी चक्रवात 10 मई की रात मतलब कि आज की रात तक उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ना जारी रखेगा और बता दें भारत के तट से टकराएगा। यही नहीं, आपको बता दें कि इस चक्रवात से मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और बताया है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर रहने की ज़रूरत है। इसका असर यूपी बिहार तक भी पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इस आसानी तूफान की वजह से यूपी बिहार में भी बारिश होगी और वेस्ट बंगाल में तो बारिश होना शुरू भी हो गया है। हालांकि अभी हल्के बारिश हो रहे हैं लेकिन इन बारिशों का जो मूवमेंट है वह बहुत तेज़ी गति से इधर से उधर हो रहा है। आने वाले 24 और 48 घंटे में यदि बिहार और यूपी में बारिश हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस बारिश से बचने के लिए आप जो भी करना चाहें जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। बता दें आपको कि इस चक्रवात को लेकर के दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी से यह उठा है और यह तूफान 24 घंटे में उड़ीसा समुद्री तट पर पहुंचने की बात की जा रही है। मतलब अगले 24 घंटे में यह उड़ीसा के तट से बिल्कुल टकराएगा। और आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात का असर उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों में दिखेगा। इस दौरान इस इलाके में भारी बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के विशेष राहत आयुक्त पी के जेना ने बताया कि चक्रवात आसानी वर्तमान में दक्षिण पूर्व अंडमान में है, मतलब कि वहां पर है, फिर भी अभी भी कोलकाता वगैरह में बारिश शुरू हो गई है। अब यह तूफान उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है और 10 मई मतलब कि आज इसी दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है। बाद में यह विशेष रूप से उड़ीसा के समांतर आगे बढ़ेगा और 11 मई की शाम पुरी में पहुँचने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विज्ञान विशेषज्ञ उमा शंकर दास ने साफ शब्दों में कहा है कि चक्रवात आसानी मंगलवार की शाम तक चक्रवात आसानी उत्तर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के समीप में पहुंच जाएगा। हालांकि यहां से उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ेगा और उड़ीसा में स्थल भाग से नहीं टकराएगा। हालांकि चक्रवात के प्रभाव से दो दिन तक उड़ीसा में तेज़ हवा और बारिश होगी। ऐसे में समीप बंदरगाहों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवात को देखते हुए मछुआरों को समुद्र से लौट आने की निर्देश जारी कर दी गई है।